अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। जिस घर की वजह से आपके सर पर छत आई है, उस घर का माहौल खराब करने की कोशिश मत कीजिए माँ जी। आज आपने जो हरकत की है, अगली बार अगर ऐसी हरकत करने की कोशिश भी की आपने, तो एक बात की गारंटी हम आपको अभी देते हैं, हम आपको इस घर से बाहर कर देंगे और अपनी जिंदगी से भी निकाल देंगे, और उसका एक ही नतीजा होगा, अंशुमन जी आपकी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएंगे। वाह, जबान अच्छी चला लेती हो, लेकिन वो क्या है कि जबान चलाकर लड़ाई नहीं जीती जाती, है ना? और वो भी तब जब इस घर का बड़ा बेटा दांव पर लगा हो। तो ऐसा है कि सिर्फ जबान चलाकर तुम उसे इस घर के लिए जीत लोगी, इसलिए खामोश रहकर हमें जीतने दो, हमारे घर के लिए। एक बात समझ लीजिए माँ जी, हमें सिर्फ मुंह चलाना नहीं आता, हम दिमाग भी चलाते हैं। और क्या कहा आपने, इस बार दाव पर इस घर का सबसे बड़ा बेटा लगा है, यानी हमारा पति। तो अगर आप देश का इतिहास जानती, अगर आपने देश का इतिहास पढ़ा होता, तो आप समझ पाती कि जब जब दाव पर पति लगा है, तब तब पत्नी के सतीत्व का साथ देने के लिए भगवान जी खुद धरती पर चले आए। और देखिएगा, हम आपको हर हाल में जीत कर दिखाएंगे। एक बात अच्छी तरह याद रहे, कल जब वो घर से निकलें तो वापस नहीं आने चाहिए। ये ऐसे किसके लिए बात कर रही है? कहीं कहीं ये बिग्बी के साथ कुछ करने का तो नहीं सोच रही है? नहीं, बिग्बी वैसे ही बहुत परेशान चल रहा है, और सुमन ये बात सुन के और डिस्टर्ब हो जाएगी। मैं काम करता हूं, मैं खुद ही बिग बी पर 24 घंटे नजर रखूंगा। श्री कृष्णा गोविंद हरे मुरारी। दादाजी, हम आपसे एक अनुमति चाहते हैं। हम आज शाम घर में ग्रह शांति की पूजा करवाना चाहते हैं। इस घर में जब देखो कोई ना कोई पूजा पाठ होता रहता है, घर ना हो गया मंदिर हो गया, और का फायदा, जितना यहाँ पूजा होता है ना उतना यहाँ नौटंकी होता है। मामी, घर मंदिर ही होता है, और अगर घर मंदिर बन जाए तो मन शांत रहता है, और मन शांत हो जाए तो घर में भी शांति बनी रहती है। ये बात तो बिल्कुल ठीक कही हो। अरे जिसका पूजा से ही कुछ लेना देना ना हो, कहां से जाने का मंदिर और का घर। वो
और इसमें हम सब तुम्हारी मदद करेंगे, और ऑफिस का काम मैं और नंदन घर से मैनेज कर लेंगे। यस बिग बी, पूजा की सारी सामग्री मैं पूजा की दुकान से मंगवा लेता हूँ। अच्छा है, यही समय है सुमन को घर से बाहर करने का। पता तो यही बताया था ना, राया बद्र की अभी यही है ना। यही है, चलो अरे बिंदिया दीदी, हमारे लिए किसी सरप्राइज से कम नहीं कि आपका कॉल आ गया हमारे पास। हम आज तुम्हारे शहर आ रहे भागलपुर, तुम्हारे परिवार से मिलने। अरे आप भागलपुर आ रही हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है। क्या मुझे सुमन से वो बात बतानी चाहिए जो मैंने कल रात पिपी के माँ जी को बात करते हुए सुना? आप आ जाइए, हमें आपका इंतजार रहेगा। आइए आइए अंदर। अब सुनो, ये सामान को ना अंदर कमरे में रख दो। जी। क्या बिग्बी को उनके माजे के बारे में बताऊं? शायद अभी नहीं। बिंदिया दीदी, आज हमने अपने घर ना पूजा रखी है, आप आइए फिर हम ढेर सारी बातें करेंगे। बिल्कुल, एक मिनट होल्ड कीजिए। हाँ हाँ हाँ। सुमन का फोन ऐसे कट क्यों हो गया? ऐसा लगा जैसे कुछ गड़बड़ है। ड्राइवर भैया, गाड़ी जल्दी चलाइए। हेलो, हम एक नंबर भेज रहे, हमें उसका लोकेशन भेजिए जल्दी। स्वास्तिक की लाइन बाईं तरफ मूर्ति है या दाईं तरफ? सुमन को पक्का पता होगा, उसी से पूछता हूं। रुको, ये हेलो, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। हेलो, माँ जी आपने सुमन को कहीं देखा है? अभी थोड़ी देर पहले तो रसोई में ही थी। हाँ बेटा, वो बाजार गई है प्रसाद का कुछ सामान लाने। अच्छा ठीक है। सुमन तो अभी यही थी, बाजार कब और कैसे चली गई? हाँ वर्मा जी, वो नए बिजनेस डील के बारे में मैं घर से बात करके आपको बताता हूँ, है ना? या हाँ, एक मिनट रुकिए।
ये सामान तो लेकर जा रहे हो लेकिन घर में तो बाकी सामान ऐसे ही छोड़ दिया तुम लोगों ने, वो कब ठीक करोगे? क्या है इसमें? कचरा है नंदन बेटा, कचरा है इसमें। वो हमने सुमन बहू की रसोई घर में सफाई में मदद की थी तो बस कुछ टूटा फूटा सामान निकला है, बस वही है इसमें। नंदन, पंडित जी से बात हुई? कब आ रहे हैं? हाँ बिग्बी, बात हो गई है, बस वो आ ही रहे हैं। अच्छा बिग्बी, वो ये वर्मा जी का फोन आया था बिजनेस से रिलेटेड, तो वो बोल रहे थे कि कैसे हैंडल करना है। आज सुमन का आखिरी दिन है,